नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मकर संक्रांति का जो व्लॉग है वो पूरा छत का ही है, क्योंकि हमारे उज्जैन में उड़ती है बहुत सारी पतंग और खिचड़ी बनाते हैं, लड्डू खाते हैं, ये सब तो सभी के यहाँ होता है, आप सब के यहाँ भी यही सब होता होगा। और यहाँ पे उड़ा रहे हैं हमारे सांप पतंग, तो मैंने उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। और यहाँ उड़ा रही है बब्बी पतंग, इसको बहुत शौक लग रहा था उड़ाने का, इसने काफ़ी देर तक पतंग उड़ाई है। वो रही है तुम्हारी पतंग, दिख गई पतंग उड़ाते हुए? अरे सुअर पतंग, ये बब्बी पतंग ये उड़ रही है एक घंटे से, और बब्बी ने अभी तक दो पतंग काट भी दी है। हाँ। मम्मी के काम आएगा। बब्बी प्रो इधर चेहरा दिखाइए अपना, ये देखो। और दोनों मेरे दोस्त, ये बिल्कुल मगन है पतंग उड़ाने में। ये इनकी पतंग है, शानदार जानदार डोरीमोन वाली, और ये खुद ही मेंटेन कर रहे हैं उसको। और ये है तय पतंग, और डोर काफ़ी देखने में मज़ा आता है। छत में बहुत सारे लोग सब अपने अपने छतों में आ जाते हैं, और ये हमने टेंट लगा रखा है और इसके अंदर सारी पतंग रखी है, क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही थी तो यहाँ वहाँ सब उड़ रही थी, तो इसमें हमने लगा लिया। ये टेंट है हमारा बच्चों के खेलने का, तो हम कभी कभी इसे यूज़ कर लेते हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ पे होता यह है कि सब अपने अपने छतों पर आ जाते हैं और गाने बजाते हैं और फिर दिन भर पतंग उड़ाते हैं। उतर के उड़ा ना, वहाँ से क्यों उड़ा रही है? बच्चे ने बताया यार, इधर निगाह चलती है, उधर से ताड़ ही दिया उसने। मैं तो क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या करना होगा, कुछ भी नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं होता। बड़े आदमी पाल पापा, अरे तो मेरे को दो तो नहीं, अरे इसका सही ऊपर तो करना है, तो ही बिठा देगी। मम्मी इधर आओ। और यहाँ पे मैं बांध रही हूँ पतंग में जोते, क्योंकि ये सब उड़ा रहे थे पतंग, तो मैं बैठे बैठे जोते बांध रही थी पतंग में। और फिर मैंने भी कोशिश करी उड़ाने की, आते नहीं है, बस थोड़े से देखे हैं मैंने, उस वजह से मुझे थोड़ा आइडिया है बांधने का, तो फिर मैंने बांध के दिए। और ये तो क्या है, जितनी उड़ी उड़ी पेच रहते हैं, और अपनी भी कटती है, काटते कम है, अपनी कटती ज़्यादा है। तो यहाँ मैंने बहुत कोशिश करी है उड़ाने की, लेकिन मुझसे उड़ी नहीं। फिर मम्मी आ गई, उसने मेरे हाथ से ले ली उड़ाने के लिए, तब भी उड़ी नहीं हमसे। वो बता रही थी ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे बता तो मुझे ऐसे रही थी कि इसको बहुत ही उड़ाना आता है, एक दिन ही उड़ाई है, उड़ा के भी इसके पापा देते हैं, बस ये ऊपर जब पहुंच जाती है पतंग तब ये पकड़ती है, तो अपने आप को बहुत मतलब समझती कि इसको बहुत उड़ाना आ रहा है। आखिर हम बहुत देर तक थक गए पतंग उड़ा उड़ा के, फिर इसके पापा आए, उन्होंने कहा ला मैं उड़ाता हूँ, जिसको जो काम नहीं आता वो काम करने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। और मैं उस समय काफ़ी कुछ रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन गाने सब ऐसे बजते हैं। और फाइनली डब्बू के पापा ने पतंग उड़ा ली है। जैसे जेठा जी बोलते टप्पू के पापा ने उड़ा लिया, और डब्बू के पापा, तो डब्बू के पापा ही थे। ऐसे बोलो ना, फाइनली इनने पतंग उड़ा ली है। फाइनली इनने पतंग उड़ा ली है। कौन इनने पिनने नहीं बोलते हम, इन्नी पिन्ने इन्नी मिन्नी। ये देखो मम्मी, ये देखो मम्मी चक्री को।
सारे बॉलीवुड सॉन्ग बजते हैं, सब अपने अपने छतों पे स्पीकर लाके बजाते हैं, तो उस समय का कुछ भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती, नहीं तो काफ़ी अच्छा शोर होता है छत में। और ऐसे छत में कोई नहीं दिखेगा, लेकिन मकर संक्रांति के दिन सब अपने अपने छतों पे आ जाएंगे और काफ़ी सारे लोग दिखते हैं। और अभी पतंग का सीज़न यहाँ पे तो बस इसमें ही उड़ती है, और यहाँ पे देखो उड़ा के दे दी है, तो होशियार बन के ले ली है, और मतलब ये बता रही है कि मैं उड़ा रही हूँ। मैं इसे कहती है मेरा वीडियो बनाओ, मैं उड़ा रही हूँ, उड़ा के दिखा रही हूँ, तो बस यही चलता रहता है। और पापा और बेटी काफ़ी अच्छी बनती है, ये देखो पापा ने चक्री पकड़ी है और बेटी उड़ा रही है वहाँ पे, तो जब तक उसको उड़ाना रहेगा उड़ाएगी, और नहीं तो फिर छोड़ के चली जाएगी, थक जाएगी तो फिर छोड़ के चली जाएगी। और यहाँ पे अब बेटी ने चक्री पकड़ ली है और पापा जी उड़ा रहे हैं, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है इन दोनों की, और आपस में बस इन लोगों की चलती रहती है। और डब्बू महाराज जिनको उड़ाना चाहिए उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है पतंग उड़ाने में, वो अपना आराम से नीचे बैठ के टीवी देख रहे हैं, और ये दोनों उड़ा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इनके पेज लड़ने चालू हो गए हैं, तो अब ये देखते जाइए अब क्या क्या होने वाला है, पेज लड़ेंगे। और बहुत देर उड़ी काफ़ी पतंग ये, और फिर पेज लड़ते लड़ते और इनकी ही पतंग कट गई, तो सब खेल ख़त्म। अब ये हो रही है लपेटे लपेट रहे हैं, और ये अब भी लपेट रही है और वो उतार रहे हैं, और यहाँ पे अब ये वापस से लपटा जा रहा है, और अभी कुछ कुछ बोल रही है। मैं इतने सारे गाने बजते हैं ना कि मैं बिल्कुल डाल नहीं सकती, कॉपीराइट आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, मैं हूँ रश्मि वारासी, और आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब लड्डू बनाइए, खूब लड्डू खाइए, और हमारे यहाँ तो पतंग उड़ती हैं आज के दिन, और मूंग के भजे बनाते हैं, खिचड़ी बनती है जो कि सभी जगह बनती है, तो बस यही होता है मकर संक्रांति का त्यौहार। और आज थोड़ी सी बैड न्यूज़ भी है, क्योंकि जो मेरी दादी हैं वो गई हैं शांत, तो मैं अभी नहीं गई हूँ, मैं जाऊँगी बाद में, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, आप सबको भी ले चलूँगी मेरे घर पर, अभी तो मैं यही हूँ, मैं अभी 10-12 दिन में जाऊँगी, तो फिर आपको दिखाती हूँ। और आप सब क्या मकर संक्रांति कैसे मनती है आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिन जिन कल जो मैंने वीडियो डाला था कमेंट पढ़ने का, और जिन उनके अगर मैं कमेंट नहीं पढ़ पाई हूँ, उनका नाम मैं नहीं ले पाई हूँ, तो आई एम सॉरी, आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। और आप का मैं एक और वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आप सबके कमेंट पढ़ूँगी, तो आप लोग वेट कीजिएगा, ऐसा बहुत जल्दी एक ऐसा वीडियो आएगा जिसमें मैं और जो लोग छूट गए उनके कमेंट में पढ़ूंगी। और बस इतना ही है, आप सब अपने यहाँ मकर संक्रांति कैसे मनाते हैं ये सब कमेंट करके ज़रूर बताना, और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये बज गई है शाम के 5, तो सूरज काफ़ी नीचे आ गया, फिर भी अब इन लोगों को एक भूत और चढ़ा है उड़ाने का, तो डब्बू रह गया था उड़ाने के लिए, एंड एंड में इसको भी लग रहा है कि सूरज डूबने वाला है, तो मैं भी फटाक से थोड़ा सा उड़ा लूँ, तो ये उड़ा रहा है, मैं इसकी चक्री पकड़ के खड़ी हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bye-bye.